आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आई यू सेट अप द गिवन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय ईस्ट। ही एडेड सम ईस्ट टू अ टेस्ट ट्यूब, ट्यूब ए कंटेनिंग फ्रूट जूस। ही कवर द ट्यूब विद द पीस ऑफ कॉर्क एंड कनेक्ट द टेस्ट ट्यूब टू अनदर टेस्ट ट्यूब, ट्यूब बी कंटेनिंग सम लाइम वाटर विथ अ डिलीवरी ट्यूब। The whole setup was maintained airtight. After some time, he noticed that the lime water in tube B had turned milky. तो देखिए यहाँ पे जो experiment है, आयुष ये student ने set करा है। तो ये जो tube A है, इसमें fruit juice है और उसमें yeast add किया है। तो yeast जो है, ये water में ऐड किया है, जिसमें फ्रूट जूस, वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं डाइल्यूट फ्रूट जूस, और उसमें ईस्ट ऐड करा है। तो देखिए ये जो कंटेनर है, ये पूरा टाइटली पैक्ड है। इधर भी हम देख रहे हैं कि ये टाइटली पैक्ड है, क्योंकि ईस्ट जो है वो करेगा फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन की वजह से यहाँ पे जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है अनएरोबिक, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस होगी। फ्रूट जूस, अब फ्रूट जूस जो है वो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, तभी तो उन्होंने फ्रूट जूस ऐड किया है। यहाँ पे मैंने वाटर का जिक्र किया, तो वाटर एंड शुगर भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चूज किया है फ्रूट जूस। तो देखिए फ्रूट जूस ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ईस्ट को जो फूड मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा फर्मेंटेशन के लिए, वो मिलेगा फ्रूट जूस से। तो इस तरह का सेटअप किया है। ये हो गया टेस्ट ट्यूब ए के बारे में, ये है रिसीवर ट्यूब, एंड यहाँ पे ये लाइम वाटर भरा है जो ट्यूब बी में प्रेजेंट है, और ये रिसीवर कौन सा गैस इसमें रिलीज करेगा इस लाइम वाटर में कि वो मिल्की टर्न होगा। ये जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर है वो मिल्की कैसे होगा, तो ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए कि लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे लाइम वाटर का जो कलर है वो हो जाएगा मिल्की। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो गया, तो जो रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के द्वारा परफॉर्म हो रही है, तो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। और ये रेस्पिरेशन ईस्ट से हो रही है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट से रिलीज हो रहा है वो पहुंचेगा लाइम वाटर की तरफ, और जब वो मिक्स होगा लाइम वाटर में तो वो टर्न होगा मिल्की। तो हमारा सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो ईस्ट रिलीज कर रहा है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है, बाकी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज नहीं होंगे। तो सही आंसर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।